भिंड में नगरपालिका सीएमओ और मकान मालिक के बीच में विवाद सामने आया है। मकान का स्टे होने के बावजूद मकान तोड़ने नगरपालिका लहार का अमला पहुंचा और उसी दौरान विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बिना चेतावनी के लहार नगरपालिका अमले ने मकान तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जबकि घर के अंदर परिवार और पूरा सामान भी मौजूद था। मकान मालिक द्वारा सीएमओ को मकान तोड़ने की मनाही की गई, लेकिन इसके बावजूद लहार नगरपालिका का बुलडोजर नहीं रुका। घटना के बाद मकान मालिक और नगरपालिका सीएमओ के बीच में झड़प हो गई। विवाद होता देख मौके से नगरपालिका का अमला गायब हो गया। मामले का पता चलते ही मौके पर पहुंचे लहार के पूर्व विधायक मथुरा प्रसाद महंत और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमरीश शर्मा ने यहाँ पर समझाइश दी। मामला भिंड के लहार के वार्ड क्रमांक 10 का है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 माह पहले लहार नगर पालिका ने मकान मालिक को मकान तोड़े जाने का नोटिस दिया था और नोटिस के बाद मकान मालिक ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया था। मकान मालिक ने लहार नगर पालिका सीएमओ पर गुंडागर्दी और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। सीएमओ की इस कार्रवाई से नगरवासियों का गुस्सा भी फूट पड़ा और नगर पालिका अमले को नगरवासियों ने खदेड़ दिया। पूरी और करंट कोई भी ऐसा नहीं गया ना, हमें कोई सूचना दी गई। तोड़ने से पहले नोटिस नहीं आया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। आकर के हमको अंदर से धकेला गया और निकालने लगा जबरदस्ती के, निकलो बाहर, तोड़ा जाएगा। को खचोरा और हाथ पकड़ के फेंका हो तो बेचारी रोती रोती अलग। सीएमओ गोविंद सिंह से मिलने की जबरदस्ती करते हैं, कई बार कहा है उनसे। क्या कहा है? कि आप वहाँ पर गोविंद सिंह से जा करके मिल लीजिए तो आपका बच जाएगा, नहीं आप अपने हाथ से इसको तोड़ लीजिए। अच्छा।